हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट एंटीनेटल केयर। हम उसमें देखेंगे एंटीनेटल केयर में क्या क्या हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव है और हमें एंटीनेटल केयर पढ़ना है तो उसमें क्या क्या हम देखेंगे, क्या क्या सीख पाएंगे। एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल एबल टू नो एंटीनेटल हिस्ट्री टेकिंग एन एग्जामिनेशन। सेकेंड इज अ नो माइनर एलिमेंट्स ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड गिव प्रॉपर एडवाइस। एंड थर्ड इज अ नो अबाउट द प्रॉपर न्यूट्रिशन, हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड फोर्थ इज अ प्री कॉन्सेप्शनल केयर। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्री टेस्ट कर ले रहे हैं हम, पहले देखेंगे इसका आंसर। फर्स्ट इज एन एक्सपेक्टेंट मदर फील्स क्यूकनिंग एट, देयर आर फोर ऑप्शन। हम इस क्वेश्चन का आंसर जान लेंगे, पता चल जाएगा हमें कि हम ये लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज अ मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट रिकमेंडेड बाई WHO। तो इसको भी लेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। What is antenatal care? Antenatal care क्या है? Periodic and regular supervision include the history taking, examination and advice of woman during the pregnancy is called antenatal care. हम regular checkup कराएंगे, supervision monitor करना, history लेना, examination करना is called antenatal care. Before the delivery of baby is called antenatal care. The supervision periodic in nature इन अकॉर्डिंग विद द नीड ऑफ इंडिविजुअल। रेगुलर होना चाहिए, पीरियोडिक होना चाहिए और डिपेंड करता है कि कैसा इन जो भी प्रेगनेंट मदर है उसकी क्या नीड्स है। इसके एम्स क्या क्या हैं? टू स्क्रीन द हाई रिस्क केसेस, हम इससे फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाई रिस्क केसेस कितने हैं। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एंड और ट्रीटमेंट ऑफ एनी अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही तो हमें पहले ही पता चल जाएगा, तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। टू इंश्योर कंटिन्यू मेडिकल सर्विलांस एंड द प्रोफाइलेक्सिस, हम इंश्योर करेंगे और निगरानी रखेंगे और जो भी इम्यूनाइजेशन है उसको प्रोवाइड कराएंगे। टू एडुकेट द मदर अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ द प्रेगनेंसी लेबर बाई डेमोन्स्ट्रेशन चार्ट डायग्राम सो दैट फियर इज रिमूव एंड साइकोलॉजी इज इम्प्रूव। हम लेबर के बारे में बताएंगे कि उसके लेबर के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ये एम्स में है टू डिस्कस विद द कपल अबाउट द प्लेस टाइम मोड ऑफ डिलीवरी एंड प्रोविजनली एंड केयर ऑफ न्यू बॉर्न। डिस्कस करेंगे जो भी है कि कहाँ पे उसको बेबी को डिलीवर करना है, कहाँ नहीं, तो ये सब। टू मोटिवेट कपल अबाउट द नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग, मोटिवेट करेंगे फैमिली प्लानिंग के लिए। टू एडवाइस मदर अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग पोस्टनेटल केयर एंड इम्यूनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? टू इंश्योर ए नॉर्मल प्रेगनेंसी विथ डिलीवरी ऑफ अ हेल्दी बेबी फ्रॉम द हेल्दी मदर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव कि प्रेगनेंसी जो होता है नॉर्मल होना चाहिए और जो भी बेबी डिलीवर हो नॉर्मल हो, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल प्रेगनेंसी क्या क्या क्राइटेरिया है? तो वो देख सकते हैं, डिलीवरी इज अ सिंगल बेबी इज गुड कंडीशन एट टर्म कंडीशन में डिलीवरी होनी चाहिए और टर्म कितना है 37 to 42 weeks का होता है, ठीक है। फीटल वेट जो होता है नॉर्मली 2.5 kg होना चाहिए, ऐसा मोर होना चाहिए विथ नो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। ये नॉर्मल डिलीवरी का टर्म एंड कंडीशन का क्राइटेरिया है। एट पर WHO रिकमेंडेशन एटलीस्ट 4 visits WHO के अकॉर्डिंग जो 4 visits होना, और ये हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट विजिट अराउंड द 16 week, फर्स्ट विजिट अराउंड 16 week पे प्रेगनेंसी के। सेकेंड विजिट बिटवीन द 24 to 28 weeks पे होना चाहिए। थर्ड विजिट जो है 32 weeks पे होना चाहिए एंड फोर्थ विजिट जो है 36 week पे होना चाहिए। तो हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सर्विस कंटिन्यू है, जनरली द इंटरवल ऑफ 4 weeks अप टू 28 weeks, एट इंटरवल ऑफ 2 weeks विद द अप टू 36 weeks, एट द वीकली इंटरवल ऑफ EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ प्रेगनेंसी डिलीवरी सॉरी। एंटीनेटल केयर कंप्राइज ऑफ केयरफुल हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, एडवाइस गिवन टू द प्रेगनेंट वुमन। एंटीनेटल केयर में यही होता है, हिस्ट्री टेकिंग लेना, एग्जामिनेशन करना, रूटीन इन्वेस्टिगेशन और प्रेगनेंट वुमन को। तो फर्स्ट विजिट हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हिस्ट्री टेकिंग पर्टिकुलर्स ऑफ पेशेंट का नेम, चीफ कंप्लेंट्स विद ड्यूरेशन, हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी एंड प्रेजेंट इलनेस। पास्ट हिस्ट्री लेंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन,
कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, कोई भी एलर्जी है, सेम कंप्लेंट विद ड्यूरेशन, पीरियड ऑफ एन मन रही है, नोजिया वोमिटिंग, वर्टिगो कोई है तो, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मिक्स ड्यूरेशन, कॉन्स्टिपेशन, हैवीनेस ऑफ ब्रेस्ट, राइज ऑफ टेम्परेचर, एडिमा, पेन इन एबडोमेन, बैक एक, वेजाइनल ब्लीडिंग। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी, प्रेजेंट इलनेस, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का हम मॉनिटर करेंगे। पास्ट हिस्ट्री में जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, रीनल डिसीज हो गया, कोई सेकेटरी इलनेस है और एनी प्रीवियस ऑपरेशन हो गया तो। पोस्ट ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री में ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, ग्रेविडा है, पैरा है या अबॉर्शन या लाइव इतने बेबीज अलाइव। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में एज ऑफ मीनार के, मेंस्ट्रुअल पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल, एलएमपी, ईडीडी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है एलएमपी का फुल फॉर्म, एंड ईडीडी है हम पहले भी बता चुके हैं, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ। फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन किसी को नहीं है, डायबिटीज मेलाइटस, मल्टीपल प्रेगनेंसीज तो नहीं है। ड्रग हिस्ट्री में देखेंगे एंटी हाइपरटेंशिव, हाइपोग्लासेमिक है, एंटी डिप्रेशेंट है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट ड्रग्स का देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन एंड एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, अपेयरेंस, हाइट, वेट, बीएमआई या पेशेंट, पैलर, लेटरस, सॉरी यूट्रस, गल, एडिमा, ब्रेस्ट, थायराइड। जनरल एग्जामिनेशन में टेम्परेचर, पल्स, टीपीआर हम उसका चेक करेंगे। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इंस्पेक्शन, पल्पेशन एंड परकशन, अस्कल्टेशन और देखा गया इंस्पेक्शन, शेप ऑफ यूट्रस, स्ट्रिया, स्ट्रेस मार्क, जो भी स्कार मार्क होते हैं वो देखेंगे। पल्पेशन असमिंग ऑफ फंडल हाइट, हम फंडल हाइट को पल्पेट करके पता करेंगे। सिम्फाइसियो, फंडल हाइट, एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमिनल फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, ग्रिप सेकेंड पेल्विक ग्रिप। अस्कल्टेशन नॉर्मल फीटल हार्ट जो रेट होता है इस 110 टू 116 बीट्स पर मिनट। फीटल टैकीकार्डिया तो ग्रेटर देन 160 होगा और फीटल ब्रैडीकार्डिया तो लेस देन 110 बीट्स पर मिनट होगा। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, हीमोक्रेट लेवल, ब्लड ग्रुप एंड आर एस टाइपिंग करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, आर बी एस रैंडम ब्लड शुगर। सीरोलॉजी में वी डी आर एल, एच आई बी, एच बी जी एस, सीरम थायराइड फंक्शन टेस्ट भी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे। एंड अल्ट्रासाउंड जो होता है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, टिफली सिक्स